चलो यहाँ से ध्रुव प्लीज मेरे भाई। भैया इसे इसे हॉस्पिटल में लेके जाए। पागल हो गए तुम? ये बस सोचते समझने का नहीं ध्रुव, तुम्हारे हाथों खून हो गया है। मेरे भाई अपने आप को संभालो, अगर तुम इस तरह बिहेव करोगे तो सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारे यहाँ तो खून हो गए। प्लीज अपने आप को संभालो। काम डाउन गॉड से। क्या हुआ है? खून? ये क्या हुआ? वेदिका कुछ नहीं है, बस मामूली सी चोट है। मामूली चोट? भैया आप इसे मामूली चोट बोलते हैं? इतना सारा खून बह गया है। ध्रुव क्या हुआ बोलो ध्रुव। वेदिका वो क्या है ना कि मैं और ध्रुव ऑफिस से आ रहे थे तो अचानक हमें कुछ गुंडों ने रास्ते में रोक लिया। बस उन्हीं गुंडों से ध्रुव की हाथापाई हो गई और ये छोटी सी चोट लगी उसको। चिंता करने की कोई बात नहीं वेदिका, एंटीसेप्टिक लोशन लगाओगे ठीक हो जाएगा। तुम प्लीज चिंता मत करो। ध्रुव क्या जरूरत थी गुंडों से हाथापाई करने की? तुम भी ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। कहीं ज्यादा लग जाता तो? चोट तुम्हें लगी है और दर्द यहां मुझे हो रहा है। ध्रुव अपना ध्यान रखा करो। ज्यादा दर्द हो रहा है? कितना खून बह चुका है? मैं पट्टी कर देती हूं। अभी चलना सीखा और घर से बाहर इसके कदम जा रहे हैं। हाँ माँ मैं जा रहा हूँ, मैं एक घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ और आज के बाद मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा, कभी नहीं। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। नहीं अंतरिक्ष, नहीं, मेरा अंतरिक्ष मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अंतरिक्ष, 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 देखो देखा अंतरिक्ष कहीं नहीं है। वो मुझे छोड़कर कहीं चला तो नहीं गया इस घर से? नहीं मम्मी जी, अंतरिक्ष भैया कहीं नहीं गए, वो अपने रूम में सो रहे हैं। लेकिन एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही है ना। नहीं, वो ये घर छोड़कर नहीं जाएगा। वो यही रहेगा इसी घर में मेरे साथ। मैं उसकी माँ हूँ। मैं मानती हूँ कि आप अंतरिक्ष भैया को अपना बेटा मानती हैं, लेकिन वो आपको अपनी माँ नहीं मानते। वो सुंदरी को अपनी माँ मानते हैं। वेदिका, इसका मतलब अगर सुंदरी इस घर से जाएगी तो अंतरिक्ष भी इसके साथ जाएगा। नहीं नहीं वेदिका, सुंदरी को रोक लो,
रोक लो उसे। हम सुंदरी को नहीं रोक सकते, उसने हमारे घर की खुशियों में आग लगाई है। जब तक वो हमारे घर को छोड़कर नहीं जाएगी, हमारी खुशियां नहीं लौटेंगी। मम्मी जी, नहीं चाहिए मुझे खुशियां, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, मुझे अंतरिक्ष चाहिए इस घर में, यहाँ मेरे साथ। वेदिका, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मैं अंतरिक्ष के बगैर मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं मम्मी जी की ये बेचैनी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं उनकी ये हालत नहीं देख सकती निहारिका। वो सोच सोच कर पागल हो रही है कि जब अंतरिक्ष भैया इस घर को छोड़कर चले जाएंगे तो वो उनके बिना कैसे जिएगी। मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है निहारिका, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ हो जाए। नहीं वेदिका, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि मम्मी जी अंतरिक्ष को कितना चाहती हैं, और ये बात भी हम सब जानते हैं कि अगर अंतरिक्ष इस घर से चला गया तो मम्मी जी किस दर्द से गुजरेंगी। लेकिन फिर भी वेदिका, मेरा दिल कहता है कि अगर अंतरिक्ष इस घर से चला गया तो मम्मी जी धीरे धीरे संभल जाएंगी, क्योंकि अगर अंतरिक्ष इस घर में रुक गया तो मम्मी जी हर पल तकलीफ से गुजरेंगी। तुम खुद ही सोचो वेदिका, अब अंतरिक्ष उस सुंदरी को अपनी माँ मानता है, लेकिन मम्मी जी अब भी अंतरिक्ष को ही अपना बेटा मानती है। तुम ही सोचो वेदिका, क्या बीतेगी उन पर जब वो अंतरिक्ष की आंखों में सुंदरी के लिए प्यार और इज्जत देखेंगी और अपने लिए अपमान। वेदिका, मैं तो कहती हूँ कि भलाई इसी में है कि सुंदरी और अंतरिक्ष दोनों ही इस घर से चले जाएं। मम्मी जी भी धीरे धीरे अंतरिक्ष के बिना जीना सीख ही लेंगे। तो कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वैसे भी वक्त बड़े से बड़ा जख्म भी भर देता है। और फिर मम्मी जी के पास अब उनके दो दो बेटे रुद्र और ध्रुव है ना, उनको प्यार देने के लिए। और वैसे भी वेदिका, मुझे उस औरत सुंदरी पर जरा भी भरोसा नहीं। तुमने तो खुद देखा है कि कैसे कैसे खेल खेलती है। तुम उससे जाकर कहो कि वो चली जाए इस घर से और अपने साथ साथ अपने उस बेटे अंतरिक्ष को भी ले जाए। उसके बाद जो भी होगा हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। पर अब तो वेदिका तुम भी अकेली नहीं, मैं हूं ना इस घर की बड़ी बहू, मैं अपना फर्ज बखूबी निभाऊंगी। तुम्हारी बड़ी बहन हर कदम पर तुम्हारा पूरा पूरा साथ देगी। बैठकर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही है? चलिए उठिए, पैकिंग करिए। पर तुमने मुझे 2 दिन का वक्त दिया है। हाँ दिया था, लेकिन अब वो 2 दिन की मोहलत मैं वापस लेती हूँ। अब आपके बेटे की आपको कान भरने हैं या उसे कुछ भी समझाना बुझाना, तो अपने घर जाके करिएगा। फिलहाल मेरे घर की दीवारें आपकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, समझ गई आप? चलिए उठिए, पैकिंग कर लीजिए,
आपके पास वक्त बहुत कम है। मिल गया ऑर्डर इस घर से जाने का वेदिका से। सो, कैसा लगा मेरा आखिरी वार? मैंने बंदूक जरूर वेदिका के कंधे पर रखकर चलाई, लेकिन मानना पड़ेगा निशाना बिल्कुल ठीक लगा। इसलिए चलिए उठिए, पैकिंग कीजिए, क्योंकि अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। ये कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो। और जाते जाते आपने उस लाडले बेटे को अपने पल्लू के साथ बांध के ले जाना मत। बहुत छोड़ लिया उसे इस घर में, पूरे 28 साल छोड़ दिया उसे इस घर में, लेकिन अब तो वो भी यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि उसे भी तो दुनिया को दिखाना है कि वो अपनी माँ से कितना प्यार करता है। बहुत लायक बेटा है ना आपका, लेकिन बस बहुत हो गया, बहुत सुख भोग लिया आप लोगों ने इस घर में रहकर। अब जाइए, जाइए और दोनों माँ बेटा रहिए उस टूटे फूटे घर। लेकिन ख्याल रखिएगा सासू, तो आप मेरी सासू माँ भी नहीं रही, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखिएगा, ओके? और अपनी कुशल मंगल की खबर देती रहिए। अंतरिक्ष हमें छोड़ के चला जाएगा? नहीं कविता, अंतरिक्ष हमें छोड़ के क्यों जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा। जाएगा? वो हमें छोड़ के जाएगा? नहीं, अंतरिक्ष हमें छोड़ के नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। हाँ, मेरी बात मानो तुम। हम अपने कमरे में चलते हैं। अंतरिक्ष कहीं नहीं जाएगा, हम उसे जाने नहीं देंगे, हमारे साथ रहेगा हमेशा। ध्रुव, क्या बात है, बैठो ना। नहीं भैया, मैं अब बैठने के लिए थोड़ी ना आया, पूरी रात सो नहीं पाया हूं मैं भैया, पूरी रात। जैसे ही आंखें बंद करता तो उस आदमी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। ऐसा लगता है कि मेरे हाथ खून से सने हुए हैं। भैया, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं पुलिस के पास जाके सारी बात साफ साफ कह दूंगा। मैं इस गिल्ट के साथ और नहीं जी सकता। स्टॉप इट ध्रुव, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो गया क्या तुम? क्यों फंसाना चाहते हो अपने आप को? क्योंकि भैया मेरे हाथों खून हुआ। खून हो चुका है ध्रुव, और उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आज के अखबार में उस आदमी की फोटो छपी है, उसकी फैमिली ने उसके गुम हो जाने की खबर छपाई है। इस वक्त पुलिस उसे ढूंढ रही होगी। अगर इस वक्त तुम जाकर पुलिस को यह बताओगे कि तुम्हारे हाथों इस आदमी का खून हो गया है,
पुलिस क्या तुम्हें छोड़ देगी? ना जाने तुम्हारे से कैसे कैसे सवाल पूछेगी, ये पूछेगी कि खून कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या जवाब दोगे तुम? भैया आप तो जानते हैं जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। कसूर नहीं था ये मैं जानता हूँ, ये तुम जानते हो, पुलिस नहीं जानती है ध्रुव। जब तक तुम कोर्ट में ये प्रूफ करोगे कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं था तब तक वो तुम्हें जेल में रखेंगे। तुम तो अपना जुर्म कबूल करके जेल चले जाना चाहते हो, लेकिन वेदिका के बारे में सोचो, वो इतने दिनों के बाद वापस आई है इस घर में, तुम्हारी जिंदगी में इतने दिनों के बाद वापस आई है। ध्रुव अगर तुम जेल चले जाओगे तो बेचारी वेदिका का क्या होगा? तुम्हारे बिना वेदिका अकेले इस घर में क्या करेगी? ध्रुव अपने बारे में नहीं, वेदिका के बारे में सोचो। वैसे भी ये सब कुछ तुमने जानबूझकर नहीं किया है। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। इमोशनली मत सोचो ध्रुव, प्रैक्टिकली सोचो। वेदिका तुमने मेरी मां से क्या कहा? तुमने उन्हें इस घर से जाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि अब उनका इस घर में रहना ठीक नहीं है, उनके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। वेदिका इस अखबार को ध्यान से देखो, इसमें इस आदमी के लापता होने की खबर छपी है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये आदमी लापता नहीं, ये मर चुका है, इसका खून हुआ है। लेकिन आप ये मुझे क्यों बता रहे? क्योंकि ये खून ध्रुव के हाथों हुआ है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। ध्रुव किसी का खून नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, ध्रुव किसी का खून नहीं कर सकता, ये मैं भी जानता हूं वेदिका। लेकिन इंसान गलती तो कर सकता है ना, ध्रुव से ये खून गलती से हुआ है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम खुद ध्रुव से जाकर पूछ लो, वो तुमसे झूठ नहीं भूल पाएगा वेदिका। और मैं तुम्हें ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि इस खून का सिर्फ एक ही चश्मदीद गवाह है, वो हूँ मैं। देखो वेदिका, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता और ना ही मैं किसी को बेवजह परेशान करना चाहता हूँ। और ध्रुव तो मेरा भाई है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं सपने में भी उसका बुरा नहीं चाह सकता। लेकिन मैं अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता हूँ वेदिका। ध्रुव इस हादसे के बाद अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहा था, लेकिन मैंने उसे रोका, उसे समझाया, तुम्हारी खातिर, इस घर की खुशियों की खातिर, इसलिए आज तुम्हें मेरी माँ को इस घर से जाने से रोकना होगा, मेरी खातिर, इस घर की खुशियों की खातिर। वेदिका अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम मेरी माँ को इस घर में रहने दो, या फिर ध्रुव को जेल की सलाखों के पीछे देखने के लिए तैयार हो जाओ। अगर ध्रुव के साथ कुछ भी हुआ उसके लिए मैं नहीं, तुम खुद जिम्मेदार होगी वेदिका, तुम खुद जिम्मेदार होगी वेदिका।